everyone, welcome back to my channel Style and Dine. I am Shilpi and I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे. तो guys, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Myntra party wear dresses. इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 dresses. ये जो सब मैंने अभी जो Myntra पर EORS सेल चल रही थी वहां से परचेज की है. तो मैंने आपके साथ एक पॉल भी किया था, आपने बोला था कि आपने जो भी कलेक्शन खरीदा है वहां से, जो भी लिया है आप हमारे साथ शेयर कीजिए. तो अभी ये पार्ट 1 है, इसका मैं पार्ट 2 आपके साथ शेयर करूंगी. उसमें सारा वेस्टर्न होगा. तो आज मैं आपके साथ खाली शेयर करने वाली हूँ पार्टी वियर ड्रेसेस. ये जो ड्रेसेस है काफी ज्यादा मैंने अफोर्डेबल प्राइस पे ली है. इनके प्राइस तो काफी ज्यादा हाई थे लेकिन सेल में मुझे काफी अच्छी प्राइस पर मिल गई है. सबके प्राइस मैं आपको साइड में मेंशन कर दूंगी कितने में मैंने खरीदी है. एंड साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि आप इनको कैसे स्टाइल कर सकते हैं, बिकॉज ये प्रॉपर पार्टी वेयर ड्रेसेस में लहंगा भी आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मल एक कुर्ती भी है एम्ब्रॉयडरी. तो इसमें आपको सारी एकदम पार्टी वेयर ड्रेस मिलेगी जो आप उसमें वेडिंग में, फेस्टिव सीजन में आप इनको स्टाइल कर सकते हैं. तो गाइज, वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में. एंड गाइज, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी, आप जो सब वीडियोस देख रहे हैं उसमें से 90% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. तो प्लीज गाइज, आपका एक सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने के लिए, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए. जब आप मुझे सपोर्ट और सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आपके साथ नए नए वीडियो शेयर कर पाऊंगी. सिर्फ एक सेकंड लगेगा, आपको जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करना है. अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए. जब आप लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, आपको वो हेल्पफुल लग रही है. तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. जो मैं फर्स्ट ड्रेस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो है ये ऑलिव ग्रीन कलर की ड्रेस. मैंने साथ में जो स्टाइलिंग की है तो आपको उसमें पूरा लुक दिख जाएगा. वैसे मैं ट्राई करूंगी कि आपको यहाँ पर दिखा सकूं. ये पूरी ऑलिव ग्रीन कलर की है. पूरी इसकी जो लेंथ है वो पूरी नीचे तक है, पूरी एंकल लेंथ है इसकी. मेरी हाइट जो है वो 5'2" है, तो मुझे ये पूरी एंकल लेंथ तक आई है. और यहाँ पर इसमें गोल्डन कलर से प्रिंट हुआ हुआ है. जो प्रिंट है वो काफी अच्छा प्रिंट हुआ हुआ है, ऐसा नहीं है कि वॉश के बाद निकल जाएगा. एंड जो ये कुर्ती है ये हैंड वॉश है, ऐसा नहीं है कि आपको इसको ड्राई क्लीन कराना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो आप इनको घर पे ही सिंपल वॉश कर सकते हैं. इसका जो ब्रांड है गाइस वो है विशुद, और इसमें जो मैंने अपना साइज मंगाया है वो है स्मॉल. ओरिजिनल प्राइस तो इसका गाइस काफी ज्यादा हाई था. आई थिंक इसका ओरिजिनल प्राइस है 4800 और मैंने इसको 1600 की रेंज में शायद मंगाया है. सबका प्राइस मैं साइड में मेंशन करूंगी जो मैंने मंगाया है. और अब देखिए यहाँ पर ये पूरी ऐसे है स्लिट वाली, ऊपर से जो ये वेस्ट है यहाँ से इसकी पूरी ये ओपन है. और यहाँ पर ऐसे जो प्लाजो वाला फैब्रिक है वो यहाँ पर इसमें लगा हुआ है नेक पे. और इसका यहाँ पर पूरा ऐसे राउंड नेक है और यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है. बैक से ये पूरी ऐसे प्लेन में है और जो ये पूरी ऐसे फ्रिल वाली है, ऐसे स्ट्रेट में कुर्ती नहीं है, ये पूरी ऐसे फ्रिल वाली कुर्ती है ये देखिए. और यहाँ पर ऐसे गोल्डन कलर की पूरी इस पे यहाँ पे पाइपिंग लगी हुई है. और जो ये स्लिट वाली ओपन हुई भी है इसमें भी पाइपिंग लगी हुई है और नेक पे भी पाइपिंग लगी हुई है. इसकी जो स्लीव्स है वो थर्ड फोर्थ स्लीव्स है और यहाँ पे स्लीव्स पे भी ऐसे पाइपिंग लगी हुई है. इसका जो फैब्रिक है वो प्लेन वाला ब्रॉकेट समझ लीजिए. कपड़ा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत हल्का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी शेयर नहीं है. मुझे काफी अच्छा लगा, कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा है. और जैसे मैंने इसमें ऑलिव ग्रीन कलर लिया है, आपको रेड कलर, ब्लू कलर एंड आई थिंक एक ब्लैक कलर भी अवेलेबल है. तो आपको अगर पसंद हो तो आप देख सकते हैं. लिंक सभी प्रोडक्ट का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड गाइस, सबसे अच्छा क्या है कि इसमें ना बिल्कुल जो ये है फ्रॉक भी ऐसे स्ट्रेट नहीं, यहाँ पर इसमें ऐसे कली दी भी है जिसकी वजह से ये पूरी से फ्रिल वाली है, बिल्कुल इसे स्ट्रेट नहीं लग रही है. अच्छी खासी इसमें फ्रिल आ रखी है. पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगी है. आप इसको वेडिंग के लिए स्टाइल कर सकते हैं, किसी भी पार्टी के लिए आप स्टाइल करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा. अब मैं इसके प्लाजो की बात करती हूँ. इसके साथ मुझे जो ये मिला है सेम ही ऑलिव ग्रीन कलर का प्लाजो है. ये पूरा इसका जो फैब्रिक है वो ब्रॉकेट में है. पूरा ये ऐसे स्ट्रेट वाला प्लाजो नहीं है, पूरा ये भी जो प्लाजो है पूरा इसमें फ्रिल है नीचे तक. और ये आगे से और पीछे से बिल्कुल सेम है. और यहाँ पर क्या है कि इसमें यहाँ पर वैसे तो बांधने के लिए इसमें हमें ये भी दिया हुआ है, दो क्या बोलते हैं नाड़ा दिया हुआ है इसमें. और साइड में यहाँ पर ऐसे हुक्स दिए हुए हैं यहाँ पर इसको बंद करने के लिए साइड में.
पॉकेट नहीं है इसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन पॉकेट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, ब्रॉकेट का फैब्रिक बहुत अच्छा है, और अंदर जो ब्रॉकेट है उसमें ऐसे इनर भी लगा हुआ है सेम कॉटन का, ऑलिव ग्रीन कलर का, तो ये बिल्कुल भी चुभ नहीं रहा, बिकॉज बहुत सारे जो ब्रॉकेट होते हैं वो ऐसा होता है कि चुभता है वो ना तो कुर्ता और ना ही ये प्लाजो में, तो इसमें कॉटन भी लगा हुआ है, कॉटन वाला फैब्रिक जो इनर होता है वो लगा हुआ है, तो उसकी वजह से बिल्कुल नहीं चुभ रहा है। तो ये मैं सीरियसली आपको बोलूंगी ये बहुत ही अच्छी डील है, आप इसको विशलिस्ट करके छोड़ सकते हैं, बिकॉज अभी तो इसके प्राइसेस हाई होंगे, लेकिन जब भी सेल आए तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा स्टाइलिश है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आउटडेटेड होगा, बिकॉज का जो फैब्रिक है ब्रॉकेट एक ऐसी चीज है वो कभी भी आउटडेटेड नहीं होता, और जो उसका स्टाइल है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। और मैं आपको कुर्ते में एक चीज बताना भूल गई थी, इसके में साइड में यहाँ पे ऐसे जिप भी दी हुई है यहाँ पे साइड में, तो इससे क्या होगा कि जो फिटिंग आ रखी है ब्रेस्ट से उसकी फिटिंग वो काफी ज्यादा अच्छी आई है। बेबी पिंक कलर का कुर्ता, पूरा इस पे ऐसे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है,
व्हाइट कलर से पूरे पे, ये प्रिंट नहीं है, बहुत ही सोबर सी एकदम, इतनी ज्यादा सेटल सी एकदम एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इस पे व्हाइट कलर से, क्रीम कलर है एक्चुअली, और ये कलर बहुत ही ज्यादा प्यारा है। नेक इसका एकदम ही चाइनीज है, और यहाँ पर इसमें हुक्स दिए हुए हैं नेक के लिए, और इसकी जो स्लीव्स है वो थर्ड फोर स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी यहाँ पर ऐसे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, छोटे छोटे बूटे बने हुए हैं जैसे नेक पे हो रखी है, और ऐसे यहाँ पे इसमें भी हो रखी है जो आगे ये स्लीव्स है। बैक में इसमें हमें यहाँ पर जो नीचे वाला ये पोर्शन होता है यहाँ पर भी ऐसे एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। बैक वैसे पूरा प्लेन है, बस नीचे एक पट्टी की एम्ब्रॉयडरी है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। मैं जो भी मैंने आपके साथ कुर्ते या ड्रेसेस शेयर की हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंट है अच्छे से, अगर कोई ट्रांसपेरेंट है तो उसमें नीचे इनर दिया हुआ है, और ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, कुछ चुभ रहा है, बहुत ही जो इसका इनर लगा हुआ है बहुत ही सॉफ्ट है, मुझे कुर्ती काफी ज्यादा अच्छी लगी है। ब्रांड जो है गाइज इसका है विशुद, और जो इसमें मैंने अपना साइज मंगाया है वो है स्मॉल। ओरिजिनल प्राइस था इसका 2800, लेकिन आई थिंक मैंने इसको 800 या 850 की रेंज में मैंने इसको लिया है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी अच्छा है। और मैंने जो इसमें अपना साइज मंगाया है वो है मीडियम, जो ये लेगी है मुझे काफी अच्छी लगी है, अच्छी खासी स्ट्रेचेबल है, बीबा की लेगिंग वैसे बहुत अच्छी होती है, और ये भी बहुत ही अच्छी सेल प्राइस पे मैंने ली है, आई थिंक मेरे को 250 या 300 की रेंज में मिल गई है। तो गाइज ये सब मेरा पार्टी वेयर कुर्ता कलेक्शन था, आपके काफी ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे कि कोई पार्टी वेयर कुर्ता ड्रेसेस ऐसा हॉल कीजिए, तो मैंने आपके साथ ये तीनों ड्रेसेस शेयर किए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी, और इसका मैं पार्ट टू जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें सारा वेस्टर्न कुछ होगा, इसलिए अगर मैं साथ में करती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। अच्छी लगी और हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मैं आपके साथ और नई वीडियो शेयर कर पाऊँ। ऐसे मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।